उसके। तो आज का हमारा व्लॉग है भाई, हम जा रहे हैं टनल एयर शॉपिंग करने के और मेरा दोस्त खालिद। तो आज के व्लॉग में बहुत ही मजा है, बहुत ही व्लॉग बना है। तो पूछते रहे आज के व्लॉग में क्या, तो हमें रोजा भी है, मुझे भी रोजा है, मेरे दोस्त खालिद को भी रोजा है। तो अभी चल रहे हैं और निकल रहे हैं, इंशाल्लाह गाड़ी अपन वहीं करेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम रोड से जा रहे हैं, आपको रोड दिखाता हूँ। तो ये हमारे बाईपास की होटल है और बंद पड़ी है रमज़ान शरीफ के। अभी हम जा रहे हैं टनल जाम। तो ये हमारे गांव का रोड है जो कि टनल जाम की तरफ निकलता है और गाड़ी मेरा दोस्त खालिद चला रहा है। हम निकल पड़े भाई रोजे में। तो यहाँ रोड जो है ना बहुत ख़राब है, खड्डे इतने। खालिद को मैं बोल रहा था स्लो चला, ऐसे नहीं मोबाइल मेरे से गिर जाए। तो खालिद बोल रहा है नहीं 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 गिरेगा, खड्डे इतने थे क्या बताऊँ। आप खड्डे देखो, तो ये सामने गाड़ी आ रही है, इसमें बीच में पट्टी बनी हुई है और कोई उसी पट्टी से चलता है। तो इसके बावजूद उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। ये टनल जाम अपन पहुंच गए। अच्छा, टनल जाम पहुंचने के बाद अभी हमारा जहाँ से कट होगा वो रास्ता देखना है यार। कट बहुत ही ख़राब, बहुत ही दूर छोड़ा हुआ है जो है ना कट, उस तरफ रोड के जो अब जब जाते हैं तो बहुत ही दूर रखा हुआ है। मतलब इसमें जो है ना सामने गाड़ी आती है वो एक्सीडेंट का भी रश होता है। ये हमारा टनल जाम का शहर, और जो कि अभी अफ्तार का टाइम होने वाला है तो लोग तैयारी भी कर रहे हैं। अभी शायद 4 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं, मैं और खालिद जा रहे टनल एयर। तो जा रहे किस काम से, सूट लेने भी जा रहे और मामू के घर पर जो है ना मैं मिठाई देने भी जा रहा हूँ। तो अभी अपन निकल पड़े हैं, ये टनल जाम का रोड। ये देख गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हुई। तो पहले कट यहाँ से होता था, करीब होता था, लेकिन अब जो है ना कट इतना दूर कर दिया है जो कि बंदा जाते जाते अगर किसी को गाड़ी ठोक दे तब भी भाई वो यही बोलेगा, अगर वो खुद ही ठोकेगा यही बोलेगा कि गलती तेरी है, तू गलत साइड आ रहा है। तो भाई जब कट ही नहीं है तो वैसे गलत ही साइड, ये देख हम गलत साइड रॉन्ग साइड ही जा रहे हैं अपन। तो आगे ही कट है, तो आगे से ही कट लेंगे, उसके बाद अपन निकलेंगे टनल लहर की। यहाँ ये टनल जाम का शहर है, कट अभी तक नहीं आया, गाड़ी आ रही है सामने। कट अभी तक, कट इतना दूर रखा हुआ है इन्होंने, वहाँ से रोड बंद कर दिया और कट ये जो रक्षा ने टर्न दिया था। तो पता नहीं क्या मसला है, अगर ये कट वहीं होता वो जो करीब था वहाँ से ही था। अच्छा, तो यहाँ जो ना लोगों को अफ्तारी करवाते, तकरीबन 50-60 बंदे होते हैं यहाँ। तो यहाँ अफ्तारी करवाते डेली रमज़ान, माह रमज़ान में। तो अभी अपन निकल पड़े, ये सामने ये ना यूनिवर्सिटी है सिंध, यहाँ जो है ना जरदारी भी पड़ा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी का भी मैं आपको बाहर से जो कुछ भी है सब कुछ दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी का भी। ये यूनिवर्सिटी में देख VIP बोल, बहुत ही सफाई है, अंदर भी VIP है यूनिवर्सिटी, और बाहर का गेट भी दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी का। अच्छा, यहाँ मेरे को रोज़ा इतना लगा हुआ था, शाम का टाइम था। अच्छा, तो ये बाहर से आप यूनिवर्सिटी देख लो, यूनिवर्सिटी देख रहे हो। ये टनल जाम का बहुत ही VIP रोड है और ये यूनिवर्सिटी का गेट है, और गेट भी बहुत है। लेकिन अब ये मैं हूँ, मेरे को रोज़ा इतना लगा हुआ था क्या बताऊँ। खालिद को मैंने बोला यार चलते हैं वापसी, खालिद ने बोला नहीं नहीं चल होके आते, रोज़ा रास्ते में खुलेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। तो अभी अपन निकल पड़े, ये खालिद भी देख, खालिद को तो रोज़ा नहीं था भाई, देखिए मेरे को रोज़ा था, खालिद को रोज़ा नहीं था, बात है सीधी, उसने आज रोज़ा नहीं रखा हुआ था और मैंने तो सारे रोज़े रखे हुए। तो अपन पहुंच गए किसाना मोरी। तो किसाना मोरी से भी आगे आएगा सुपर मदीना होटल, तो उसके बाद कुबा आएगा। तो टनल एयर पता नहीं कब आएगा, हमारी सांस निकलेगी तब आएगा, पता नहीं क्या। टनल एयर जल्दी आ जा और हम क्या बोलते हैं सूट वगैरह ले ले, मामू के घर पे मिठाई छोड़ दे, फिर वापसी आ जाएंगे, अफ्तारी करेंगे अपने घर पे। तो भी ये किसाना मोरी गाड़ी खाली जैसे भगा रहा था क्या बताऊँ, गाड़ी की बहुत ही मतलब स्पीड थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला यार इतना नहीं भगा, गाड़ी की चेन कमज़ोर थी, मैंने बोला चेन वगैरह नहीं टूट जाए, गाड़ी स्लो चला अच्छी बात है, ऐसे नहीं रोज़ा मकरूर हो जाए, गिर जाए तो टांग वांग टूट जाए या ये वो।
खालिद बोरा आप ऐसी बातें नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा। ये क्या बोलते किसाना मोरी स्टाफ है, किसाना मोरी का स्टाफ। ये सुपर मदीना रेस्टोरेंट है, तो अभी यहाँ अपन पहुँच गए रेस्टोरेंट। तो इसमें पता नहीं क्या है, बंद कर दिया है, रेंट ज़्यादा था ना इसी वजह से बंद कर दिया, अभी पता नहीं क्या लगा दिया है। तो ये अपन टंडोलिया राशिदाबाद पहुंच के, ये राशिदाबाद में अंदर जो मस्जिद है VVIP बनी हुई वो है, जो यहाँ से दिखाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये राशिदाबाद, अंदर तो मैं कभी नहीं गया हूँ राशिदाबाद में, लेकिन जाऊँगा इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी, व्लॉग भी बनाऊँगा उसका बहुत ही VVIP अच्छा व्लॉग। ये है टंडोलिया का मैंगो सिटी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही VIP बना हुआ है, अभी बन रहा है VVIP। तो ये अपन पहुंच गए टंडोलिया खैर खैरे से, लेकिन यहाँ मेरा दोस्त जो है ना गाड़ी खड़ी नहीं कर रहा था, देख सामने गाड़ियाँ गुजर रही थी। लेकिन तो ये पहुंच गए मामू के घर पे, मैंने मिठाई छोड़ी और कुछ टाइम बैठा, अभी निकल रहा हूँ बाहर और खालिद बाहर बैठा हुआ है, मैं खालिद को आवाज़ दे रहा हूँ। खालिद खालिद क्या हुआ, झगड़ा हो गया। तो ये मेरे मामू का बेटा है, इससे मैंने पूछा रोजा रख रहा है बुरा, हाँ सारे चल रहे हैं। मैंने बोला माशाल्लाह यार बड़ी बात है, तो इतना छोटा सारे रोजे रख रहा है बुरा, हाँ। तो फिर अपन निकल पड़े दुकान के, यहाँ जो है ना कपड़े की दुकान पे, मामू की दुकान पे, वहाँ से सूट लेंगे। तो अभी ये टंडोलिया का शहर, अभी हम टन देंगे और जा रहे हैं मामू की दुकान पे, यहाँ से टन। जिसको भी आना है रास्ता देख लो व्लॉग में और आ जाए भाई, बहुत ही VVIP सूट है और रेट भी आपको, आप लोगों को सबको सही मिलेगा, बस थोड़ा ही आगे। तो सूट ले लिया हमने और मैंने यार क्या बोलते दुकान का जो है ना व्लॉग नहीं बनाया, मैंने बोला यार मामू इसी में गुस्सा करे, वो रोज़ा है, रोज़े में इंसान को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। तो सूट हमने ले लिया तो वापसी निकल पड़े किस्में। तो ये अपन वापसी जा रहे हैं भाई, मैं और खालिद सूट वगैरह ले लिया, वापसी उसी टाइम पर जा रहे हैं। अफ्तारी इंशाल्लाह अपने, मैंने बोला अपने घर ही करेंगे, लेकिन अफ्तारी जो है ना हमारे को टनो जाम में ही करनी पड़ी है, मेरे मामू का अड्डा था किसी टाइम पर, अभी नहीं है। तो अब अपन जा रहे हैं वापसी और व्लॉग का करते हैं एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया, तो अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।